नमस्कार साथियों, केरल में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। एक गर्भवती हथिनी को किसी क्रूर व्यक्ति या व्यक्तियों ने अनानास में कुछ विस्फोटक पदार्थ मिला करके उसको खिला दिया, जिससे उसका और उसके शिशु का, जो उसका बच्चा गर्भ में था, उसकी मृत्यु हो गई। केरल में एक स्थान है मलप्पुरम, मलप्पुरम में वेल्लियार नदी है, वहाँ पर 3 दिन वो रही थी, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में शुभम पांडे जी ने विस्तृत वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। अभी ये घटना हुई ही नहीं थी कि हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है बिलासपुर। बिलासपुर में कोई एक गाय थी, गाय को कुछ किसी क्रूर प्रकार के व्यक्ति ने उसके खाने में, उसके चारे में कुछ ऐसा विस्फोटक पदार्थ मिला दिया। गाय खाई उसको, उसका पूरा जबड़ा जल गया, बर्बाद हो गया। उसकी तस्वीर मैं देखा, एकदम दिल दहला देने वाली तस्वीर थी। हालांकि उस किसान ने, जिसकी वो गाय थी, उसने हिमाचल प्रदेश के पुलिस थाने में FIR लिखवाया है और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज कर लिया गया है, और कुछ आपराधिक विधान होते हैं, जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 428 से 429 है, उसके तहत भी FIR दर्ज कर लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी जानवर से टॉर्चर करता है या परेशान करता है या कुछ जहरीली चीज़ें उसको खिला देता है, तो उसको इन आपराधिक धाराओं के तहत FIR दर्ज कर लिया जाता है। ये एक प्रकार का कॉग्निजिबल ऑफेंस माना जाता है। और हाथियों के संरक्षण के लिए देश में कुछ कानून भी हैं। 1992 में, 1992 में एक ऑपरेशन, या कहें कि प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, परियोजना हाथी। इसका उद्देश्य यही था कि देश भर में जितने हाथी हैं उनको, उनकी गणना सही प्रकार से की जाए, उनकी जनसंख्या कितनी है इसका आंकड़ा सूचीबद्ध किया जाए, और उनकी रहने के लिए, उनके निवास स्थान के लिए कैसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वो लोग उसमें रह सकें। इसके बारे में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था 1992 में, और दुनिया भर में देखा जाए तो करीब करीब 4,000 हाथी हैं और भारत में करीब करीब 25,000 हाथी हैं, यानी कि संख्या करीब करीब 50-55% भारत में हाथी हैं दुनिया की मुकाबले। और भारत में मुख्य रूप से जो दक्षिण के प्रांत हैं, जैसे केरल है, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ सब पाए जाते हैं, और मध्य प्रांत में पाए जाते हैं, जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है, या पश्चिम भारत में भी कुछ हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे गुजरात वगैरह में, या नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, और बिहार, उत्तर प्रदेश के जो हिमालयी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं हाथी। और प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था, इसका मेन उद्देश्य यही था कि उनकी जनगणना सही प्रकार से हो, उनका संरक्षण सही प्रकार से हो, उनका संवर्धन सही प्रकार से हो। अंग्रेजों के समय से ही विभिन्न प्रकार के कानून देश में चल रहे हैं, जैसे 1873 में एक एक्ट आया था, हाथियों के से संबंधित ही था, मद्रास वाइल्ड एलिफेंट रिजर्वेशन एक्ट 1873। फिर ऑल इंडिया वाइल्ड एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1879 आया। उसके बाद अन्य कानून आए, जैसे कि द वाइल्ड लाइफ बर्ड एंड एनिमल प्रोहिबिशन एक्ट 1912। फिर राइनोसोरस, एक जानवर होता है राइनोसेरस, उसकी संरक्षण करने के लिए एक्ट आए 1932 में, जैसे बंगाल राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1912 आया। फिर असम राइनोसेरस प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 आया। फिर द इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, यानी जो वन्य जीव हैं उनकी संरक्षण के लिए एक बोर्ड बनाया गया 1952 में। उस बोर्ड में कुछ मेंबर होते हैं जो ये निर्णय करते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। और आज़ादी के बाद भी ऐसे बहुत सारे कानून आते रहे। 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक हुई थी स्टॉकहोम में, जो स्वीडन है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ पर बैठक हुई थी पूरे वैश्विक पर्यावरण की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए। उसमें यह निर्णय भी किया गया कि एक पर्यावरण दिवस के रूप में किसी एक दिन को निश्चित किया जाए, क्योंकि 5 जून से 16 जून तक वो बैठक हुई थी 1972 में स्टॉकहोम में। तो यह निर्णय किया गया कि 2 साल बाद, यानी कि 1974 को 5 जून को
यह दिवस मनाया जाएगा, यानी कि 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। उसी से प्रभावित होकर के जो उस समय की प्रधानमंत्री थी भारत की, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम कुछ ऐसा एक ठोस कानून लेकर आएंगे जिससे कि भारत के जो वन्य जीव हैं उनका संरक्षण किया जा सके। इसके लिए उन्होंने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 नाम का अधिनियम लेकर आए। उसका उद्देश्य मुख्य रूप से यही था कि जितने भी वन्य जीव हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, उनको उनका प्रोटेक्शन किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, रक्षण किया जाए, सुरक्षा उनको प्रदान की जाए, किसी प्रकार का तस्करी या अवैध व्यापार या अवैध शिकार उनका ना हो पाए, यानी पूर्ण रूप से उनकी सुरक्षा उसमें प्रदान की जाए। और 2003 में उसमें संशोधन किया गया, और संशोधन करने के बाद जो नया प्रारूप आया उसका नाम था भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 2002। इसके तहत कुछ उसमें सज़ा का प्रावधान भी जोड़ दिया गया कि यदि यह काम किया जाता है तो उनको इन इन धाराओं के तहत सज़ा का प्रावधान भी उसमें किया गया। ये जो एक्ट है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, इसमें 6 प्रकार की अनुसूचियाँ बनाई गई थीं, जैसे अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जिन जानवरों को लिस्ट किया जाता है, जिन जानवरों को सूचीबद्ध किया जाता है, उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि यदि अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में जो जानवर हैं, यदि उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, मिनिमम 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, और मैक्सिमम 7 साल की भी सज़ा हो सकती है, और जुर्माने की राशि 10,000 तक वसूली जा सकती है। और यदि वो दोबारा उसी प्रकार का अपराध करते हैं तो 3 साल से 7 साल की सज़ा तो होगी ही, साथ में उनसे 25,000 रुपये तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। तो इस प्रकार से एक ठोस कानून लेकर आई श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। अनुसूची 3 और अनुसूची 4 में भी जिन वन्य जीवों को सूचीबद्ध किया गया है उनके लिए भी सुरक्षा प्रदान की गई है, दंड का विधान किया गया है, लेकिन उसमें दंड की जो कैटेगरी है या जो दंड की मात्रा है वो थोड़ा सा कम है, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के हिसाब से कम है। अनुसूची 5 में जिन वन्य जीवों को सूचीबद्ध किया गया है उनका शिकार किया जा सकता है। इस प्रकार से 6 अनुसूचियाँ हैं जिसमें विभिन्न जानवरों को सूचीबद्ध किया गया है और दंड का विधान किया गया है। और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, जैसे CBI होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CID होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसी प्रकार से वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई, जो केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय है इसके अधीन किया गया। ये केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन एक सांविधानिक, कह सकते हैं कि सांविधिक निकाय है, जो जितने भी वन्य जीव के बारे में जो संरक्षण से संबंधित या जो अपराध से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो इनमें चर्चा की जाती है। इनके 5 मुख्यालय हैं, एक नई दिल्ली में है, एक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, और राजस्थान में एक शहर है जबलपुर, वहाँ पर। यानी कि जो इसके वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है, इसके 5 मुख्यालय हैं, नई दिल्ली, कोलकाता, जबलपुर, मुंबई, चेन्नई। और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए हमारे संविधान में भी कुछ बातें कही गई हैं, जैसे 1976 में कुछ संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी जी की ही सरकार थी, उस समय इमरजेंसी भी देश में लागू था। 1976 में एक संशोधन करके जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, जैसे अनुच्छेद 35 से 51 तक, राज्य के 36 से अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें संविधान राज्यों को यानी स्टेट्स को यह निर्देश देता है कि वह जब कानून या विधान बनाएंगे तो इन इन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। उसमें अनुच्छेद 48 मूल रूप से संविधान में था ही, लेकिन 1976 में संशोधन करके उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 48A, उसमें लिखा गया कि राज्य यानी स्टेट का यह कर्तव्य होगा कि जो पर्यावरण है, वन है और वन्य जीव है, 3 चीज़, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ,
इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके संवर्धन के लिए, विकास के लिए नीतियाँ बनाएंगी, योजनाएँ बनाएंगी और उस पर काम करेंगी। ये राज्य के लिए निदेशक तत्व थे और जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी हुई थी उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था मौलिक कर्तव्य के बारे में। अनुच्छेद 54 क में मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। यदि कोई नागरिक अपने मूल अधिकारों का उपयोग कर रहा है तो वो अपने मौलिक कर्तव्य जो मॉरल ड्यूटीज़ कह सकते हैं उनको भी उनको फॉलो करना चाहिए, एक उनका नैतिक कर्तव्य भी बनता है। तो अनुच्छेद 51 का में जो 11 सूचियाँ हैं उनमें से सातवीं जो सूची है उसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह जितने भी प्राकृतिक संपदा हैं जैसे कि वन है, झील है, नदियाँ, तालाब, समुद्र, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, इन सबकी सुरक्षा करेगा और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखेगा, यानी संवेदनशीलता उसमें रहेगी। ये अनुच्छेद 51 क के सातवें सेक्शन में कहा गया है। और वर्ल्ड WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड और जियोलॉजिकल सोसाइटी, ये दो संस्थाएं हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया था कुछ समय पहले। उनका यह मानना था या उनका अध्ययन था, रिपोर्ट था कि 2020 तक करीब करीब दुनिया की जो 2/3 वन्य जीव हैं वो कम हो जाएंगे, यानी 2/3 पॉपुलेशन विल रिड्यूस टिल 2020। और उसमें जैसे जंगली जीव भी हो सकते हैं, नदियों में या जो समुद्री जीव हैं वो भी हो सकते हैं, पहाड़ों पर पठारों पर जो जीव रहते हैं वो भी हो सकते हैं, तटीय क्षेत्रों में जो जीव होते हैं वो भी हो सकते हैं, उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्णकटिबंधीय, यानी ये सब मिला करके क्षेत्र से कुल मिला करके करीब करीब 2/3 जीवों का कमी हो सकती है, नाश हो सकता है, विनाश हो सकता है, वो लुप्त प्राय हो सकते हैं, विलुप्त हो सकते हैं, एंडेंजर्ड कैटेगरी के लिस्ट में वो सूचीबद्ध हो सकते हैं। और 1970 से लेकर के 2020 तक देखा जाए तो करीब करीब 80% जीव जंतु एक प्रकार से लुप्त हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। तो उनकी संरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के कानून तो हैं लेकिन उन कानूनों का अनुपालना सही प्रकार से हो तभी किया जा सकता है। और जो अवैध व्यापार करते हैं, अवैध शिकार करते हैं, उनके अंदर एक लालच होता है, क्योंकि जैसे हाथी है, हाथी दांत उनको मिल जाता है, गैंडे हैं तो उनका सींग मिल जाता है, चीता है या तेंदुआ है उससे उनको खाल मिल जाता है, सांप है तो सांप को उनका केचुल मिल जाता है, नेवला के बाल मिल जाते हैं, और एक बियर होता है भालू, भालू से एक प्रकार से कहें कि प्लाज्मा, भालू के अंदर से प्लाज्मा जो होता है उसको निकाल करके कुछ दवाइयाँ बनाई जाती हैं। जैसे कुछ समय पहले चाइना ने एक दवा लॉन्च किया था कोरोना वायरस के लिए, वो जो दवा थी वो भालू के प्लाज्मा से कि भालू के इंटरनल ऑर्गन से कुछ ऐसे रसायन थे, पित्त थे मेरे ख्याल से, उसको निकाल करके वो दवाई बनाई गई थी। अब जब वो दवाई बनाई जाएगी कोरोना वायरस के इलाज के लिए तो उस भालू को मारा जाएगा, तो उसके अंदर से वो पित्त होगा या जो भी अंदर के रसायन होंगे या रस होंगे उनको निकाला जाएगा, फिर उससे दवाइयाँ बनाई जाएंगी। तो इस प्रकार से भालू की संख्या में कमी आ सकती है। और भारत ने इस क्षेत्र में काम किया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नाम की दवा निकाले थे जो पूरे देश में तेज़ी से एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन WHO ने उस पर किसी कारण से रोक लगा दिया है, एक प्रकार से प्रतिबंध लगा दिया है कि अभी HCQ का निर्यात नहीं किया जा सकता। लेकिन HCQ के निर्यात से पहले ही चाइना ने भालू के अंदर से इस प्रकार के रस से कुछ दवाइयाँ बनाई थी। इस प्रकार से और भी अनेक, जैसे सुअर होता है, सुअर के अलावा कुछ और जीव भी हैं जिनसे उनको मार करके उनके अंदर से कुछ, उनके ऑर्गन से कुछ रसायन से दवाइयाँ बनाई जाती हैं जिनसे भी बड़ी मात्रा में जंतुओं का एक प्रकार से शिकार होता है, उनको नष्ट कर दिया जाता है। तो प्रकृति, मानव जो है अपनी लालच के लिए, अपने उपभोक्तावादी सोच को प्राथमिकता में रखते हुए
वो वन्य जीवों को, पक्षियों को, जानवरों को, पर्यावरण को, पेड़ पौधों को, जल को, जल जंगल जमीन जानवर जंतु जीव, इन सबको नष्ट करने में बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करता है। तो यदि वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि इस प्रकार के केस निरंतर आते जा रहे हैं, एक बार केरल में हाथी वाला केस हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश में गाय वाला केस हुआ, इस प्रकार के केस ना हों, उस पे रोकथाम हो, लगाम लगे, भविष्य में इस प्रकार के दुर्दांत प्रकार के कृत्य कुकृत्य ना हो पाए, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो मैंने पांच चीज़ें सोची हैं जिसमें यदि काम किया जाए तो संभवतः इसमें आगे बढ़ा जा सकता है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, इसके साथ साथ प्रकृति की सुरक्षा के लिए भी। उसमें से नंबर एक है जवाबदेहिता, यानी अकाउंटेबिलिटी, यानी पर्यावरण मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय के अधीन जितने भी अधिकारीगण हैं, या जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसके तहत इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जो वन विभाग के अधिकारी होते हैं, उन सब की जनता के प्रति, शासन प्रशासन के प्रति एक कठोर जवाबदेहिता बनती है। यदि वो किसी प्रकार की उसमें लापरवाही करते हैं तो उनको उचित दंड दे करके एक प्रकार से न्याय किया जाना चाहिए। जब शासन प्रशासन में जवाबदेहिता बढ़ेगी तो लोग प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। नंबर दो है पारदर्शिता, यानी ट्रांसपेरेंसी, अर्थात जैसे टाइगर का, चीता का गिनती होती है, जैसे 2019 में गिनती हुआ करीब करीब 3,000 चीते पाए गए भारत में, ऐसे हाथी की गिनती होती है, भारत में करीब करीब 25,000 हाथी हैं। तो इस प्रकार से जो गिनती होती है, तो बहुत सारे पर्यावरणविद ऐसा मानते हैं कि ये जो गिनती हो रही है, ये जो आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है, यानी कि सरकार अपनी वाहवाही लूटने के लिए कुछ गलत प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, ऐसा कुछ पर्यावरणवादियों का या पर्यावरणविदों का मानना होता है, तर्क होता है उनका, एक प्रकार से आलोचना होती है, या कहें कि उनके इस तर्क को देते हुए उनमें एक दुख भी देखा जा सकता है कि एक निष्पक्षता उसमें नहीं देखी जा रही है। तो ट्रांसपेरेंसी, जब भी गिनती हो या इस प्रकार के जो भी काम हों जिसमें आंकड़े से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी, शासन में शुचिता, तटस्थता बिल्कुल होकर के, इंटीग्रिटी ला करके, यानी सत्यनिष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ गिनती की जानी चाहिए और आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ताकि जनता का उस पे एक प्रकार से विश्वास स्थापित हो सके। नंबर तीन, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता बहुत ही ज़रूरी है, एम्पैथी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे विद्यालय में जो पढ़ाई होती है उसमें नैतिक शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन का बिल्कुल भी स्थान नहीं है। यदि कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फिर और हायर लेवल पे चले जाएं, टेक्निकल एजुकेशन में चले जाएं, मेडिकल एजुकेशन में चले जाएं, तो जिस प्रकार से हमें एक एथिक्स, एक एथिकल नॉलेज, एक मोरल नॉलेज दिया जाना चाहिए, उसका पूर्ण रूप से अभाव दिखता है, पूर्ण रूप से अभाव दिखता है। कहीं छिटपुट एक आध पाठ यदि मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन इसके लिए प्रत्येक स्तर पर, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, चिकित्सकीय, खोज यानी अनुसंधान के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में एथिकल और मोरल नाम का एक विषय होना चाहिए, जो सभी संस्थानों में, जैसे अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं, विज्ञान पढ़ाया जाता है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से इसको भी तरजीह दिया जाए। तभी विद्यार्थियों के अंदर यदि बचपन से संवेदनशीलता प्रकृति के प्रति, जंगल के प्रति, जल के प्रति, जीव जानवर जंतु के प्रति रहेगी, तब जाकर के वो एक सही नागरिक बनेंगे, जो अपने देश के बारे में सोच सकेंगे। यदि बचपन से उनको ये बातें नहीं बताई गई हैं तो संभावना है कि गर्मी का सीज़न आएगा, 45 डिग्री 40 डिग्री तापमान होगा, तो वो 40-50 बाल्टी पानी से वो प्रतिदिन नहा ही लेंगे। तो इसलिए प्रत्येक स्तर पे एनवायरमेंटल एथिक्स पढ़ाई जानी चाहिए, मोरल
मोरल एथिक्स पढ़ाई जानी चाहिए ताकि एक सच्चे नागरिक, एक अच्छे नागरिक का निर्माण किया जा सके। और एक अच्छे नागरिक जब बनेंगे तभी उससे एक अच्छे भारत, एक अखंड भारत का निर्माण संभव हो सकेगा। और एक है जन जागरूकता। जन जागरूकता के लिए सबसे अच्छा तो यही है कि विद्यालय स्तर पर, यानी कि सभी शैक्षिक स्तरों पर मोरल एजुकेशन को तरजीह दिया जाए। शासन प्रशासन भी जागरूकता अभियान चला करके चलाती ही हैं, जैसे पर्यावरण दिवस पे, पृथ्वी दिवस पे, जल दिवस पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। देश भर में बहुत सारे NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ऐसे और कार्यकर्ता हैं जो पर्यावरण प्रकृति के क्षेत्र में काम करते रहते हैं, जागरूकता फैलाते रहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी और बढ़ाया जा सकता है ताकि जन जागरूकता और ज़्यादा बढ़ाई जाए। और नंबर 5 है जन सहभागिता। यदि संवेदनशीलता आ जाएगी, जन जागरूकता आ जाएगी, तो जन सहभागिता अपने आप ही आ जाएगी। तो इन 5 मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए। और प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक गुरुजन, प्रत्येक अभिभावकगण, प्रत्येक शिक्षकगण ज़रूर इस बात पर विचार करने चाहिए कि हम कैसे प्रकृति से लगाव स्थापित कर पाएँ, उनसे निकटता स्थापित कर पाएँ। जैसे स्वीडन की एक लड़की हैं ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग 2019 में बहुत चर्चे में रही थी। वो एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उनकी उनकी पर्यावरण के प्रति इतने लगाव देख करके बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई। वो अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप जी को और दुनिया के अन्य जो विकसित देश के लोग हैं जो अपने GDP ग्रोथ के चक्कर में पर्यावरण को अधिक मात्रा में क्षति पहुंचा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य जहरीली गैसों को उत्सर्जित करके, उनको कठोर शब्दों में उनसे प्रश्न किया कि हाउ डेयर यू टू टू पर्यावरण को गंदा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार से कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए उन्होंने वैश्विक मंच पर जो वैश्विक नेता हैं उनसे प्रश्न किए। तो यदि 16 साल की एक लड़की इस प्रकार से निडर होकर के स्वीडन की संसद के सामने खड़ी होकर के धरना प्रदर्शन करके विकसित देशों के राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षों को चुनौती दे करके एक 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 चुनौती भरे लफ्ज़ों में, लहजों में उनसे प्रश्न करके यह चीज़ पूछ सकती हैं, तो हम 16 साल के, 20 साल के, 22 साल के जो अधिकांश समय अपना पबजी, टिकटॉक, तरह तरह के वीडियो गेम्स में इतना समय व्यतीत कर देते हैं, उन सबको भी ग्रेटा थनबर्ग जो 16 साल की लड़की है, ओनली 16 ईयर्स ओल्ड, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए कि उनका प्रकृति के प्रति किस प्रकार से लगाव है। तभी तभी एक प्रकृति की रक्षा करने में काम किया जा सकता है। क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब के दौर से गुजर रहा है। निरंतर कुछ ना कुछ आपदाएं आती रहती हैं। अभी 2019 2020 के मई महीने में ही बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया, अम्फान। उसके बाद अरब सागर में एक तूफान आ गया, चक्रवात आ गया निसर्ग, एक बार बंगाल की खाड़ी में, फिर उसके अगले ही महीने यानी कि जून महीने में निसर्ग चक्रवात आ गया, फिर कहीं ज़्यादा मात्रा में बारिश हो जाती है, कहीं ज़्यादा तेज़ी से तूफान आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं उससे आम नागरिकों को, किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो जो आज के विद्यार्थी हैं, जो आज के नौयुवक हैं, आज की जो पीढ़ी है, यदि वो सचेत होकर के प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता बनाएंगे तो संभव है कि भविष्य में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब से कुछ निजात पाया जा सकता है। तो इन शब्दों के साथ साथ मैं रुकना चाहूँगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने देश का ध्यान रखें, अपने प्रकृति के प्रति, जानवरों के प्रति, जीवों के प्रति, पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।